आज योगा करने की इरादा नहीं है क्या? नहीं करेंगे योगा? चलिए, क्या हस्बैंड से कोई बातचीत हुआ है? हस्बैंड ने कुछ कहा आपको? लगता है योगा क्लास और करने का मूड नहीं है। तो योगा क्लास करके आपका कहानी खत्म? तो ठीक है, तो आपसे फीस भी अब क्या लेना? 2 दिन का फीस भी तो नहीं होता है। लेकिन आज लगता है कि मेरे आते आते शाम हो गया है, इसलिए आप नाराज हो गई है। बट क्या है ना कि ट्रैफिक बहुत जाम था, इसलिए हम आने में लेट हो गया थोड़ा सा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए चाय पी लीजिए आप, एक बिस्किट है या खा लीजिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए आपकी इस तरह उदासी मुझसे देखने को, आपने मुझे 2 दिन में ऐसा कुछ चाय में पता नहीं क्या पिला दिया कि हम आपके हो गए। चलो भाग जाते। चलिए मुझे यही तो मुझे सुनना था आपके बारे में। मुझे सच्चा अब यकीन हो गया। आप क्या समझता वैसे कैसे हैं? मतलब आप औरतों में यही कमी है कि कोई बेचारा लड़का जो है आपके थोड़े से करीब क्या आ जाए, आप उसको लव स्टोरी समझ बैठती हो। मतलब आपकी गोद में हम सरक के सो गए हैं तो उसको प्यार समझ लीजिए आप। आप इमोशनल हो गए। आपके इतने अच्छे पति हैं, आप पति को छोड़कर मेरे साथ भागना चाहती हैं। ऐसे ना जाने कौन वो सीमा हैदर पाकिस्तान से पबजी खेलते खेलते आ गए हिंदुस्तान में, और पता नहीं कौन कलेक्टर बनी, और वो जो है वो लव के चक्कर में अपना वो भी भाग गया अपने पति को छोड़। भला बुढ़ा बेजबाज के उसको क्या बना, हेडमास्टर बना दिया, वो भी अपने पति को छोड़ के भाग गया, बच्चे को छोड़ के भाग गया। यही आप मेरे साथ करना चाहती है कि आपके साथ हम भागे? चलो भागे, आपने ऐसा सोच कैसे लिया कि आपके साथ भागेंगे? बताइए, नहीं बताइए कुछ है जवाब? बीवी बच्चे को छोड़ दीजिए। क्यों अपने बीवी बच्चे को हम छोड़ दे? मेरी बीवी फिर किसी और के साथ भागेगा तो ये भागा भागी कब तक चलेगा? हम आपके साथ भागे, बात सही है, जमाना ऐसा चल रहा है तो क्यों ऐसे चलने दे? क्यों बताइए आप ऐसा सोच कैसे ली कि आपके साथ भाग? आपसे मुझे प्यार हो गया। वो प्यार वार को मानिए गोली, प्यार हो गया और भागने के इरादे कर रही हैं आप। शर्म नहीं आता आपको? दवाई के पैकेट में अगर एक्सपायर डेट लिखा हुआ हो तो आप लेंगे? फ्री में देगा तो लेंगे आप? तो आप भी तो एक्सपायर है, हम भी एक्सपायर है, बात कर दो। हम देखिए मर्द कभी एक्सपायर डेट का नहीं होता है, ठीक है ना? आप जो है एक्सपायर है। हाँ, मर्द नहीं होता एक्सपायर, मर्द हमेशा लगता है। देखिए आपका नाक उतरा है? नहीं राजा। देखिए देखिए, नहीं बताइए, इस तरह इमोशनल आप हो गए, रहने लगे है बीमार बीमार सा, और आपको लेके भाई जाके हमको भी ये बीमार कर देंगे, ये हमको ऐसा पसंद नहीं है। देखिए हम जितने घर में जाते हैं योगा सिखाते हैं भाभियों के पास, ठीक है ना, तो उसको यही नहीं अभी और सुनिए, एंटरटेन करने के लिए हम थोड़ा उसके साथ मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं। इसके मतलब थोड़ा ना है कि हम सबके साथ भागते फिरेंगे। ये अपना अंदाज है भाई कि हम ऐसे करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एंटरटेन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हरामी हो, प्यार नहीं कर देते। और आप तो उसको गलत ही मतलब समझ लिए। आप सुनने में आए कि 2 दिन से खाना पीना छोड़ दिए हैं आप, खाली मेरे याद में खोए रहते हैं। आप अच्छा नहीं लग रहा तो इसके मतलब थोड़ा आपको लेके भाग जाएंगे हम। आप अपने पति से कहिए हम चले, और आज के बाद हमें फोन मत कीजिएगा, और नहीं के आने के लिए बोलिएगा। अब आप क्या हजारों तो क्या 10,000 भी दीजिएगा तो भी हम नहीं आएंगे आपको सिखाने, ठीक है?